नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज एक नया वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा रोज़ प्लांट के। छोटे दो प्लांट को मैंने लाया हूं। ये दोनों को जब मैंने पॉटिंग किया था तो आप लोगों का सामने ही मैंने पॉटिंग किया था। लगभग कुछ महीने भी नहीं हुआ होगा, एक प्लांट को एक महीना करीब होगा और एक प्लांट लगभग डेढ़ महीना करीब होगा। तो दोनों को मैंने पॉटिंग किया था, तो आप लोग देख सकते हैं इसका हालत क्या है। तो ये जब मैंने पहले पॉटिंग किया था तो इसका फर्टिलाइज़र मैंने तभी शेयर किया था। इसका बाद अभी भी इसका जब हम वीडियो करते हैं तो इसका भी फर्टिलाइज़र मैं शेयर करते हैं। हमेशा ही मैं फर्टिलाइज़र के बारे में शेयर करते रहता हूँ। और पॉटिंग भी कब किया था उसका भी वीडियो हम लोग शेयर किया था, आप लोग चैनल से देख सकते हैं पुराना वीडियो में जाके। तो ये है सैंड में और ये है सॉयल में। दोनों का डिफरेंस बहुत ही अलग है। सैंड में क्या होता है, पानी रुकता नहीं है, जल्दी पानी चल जाता है पॉट का नीचे से, इसलिए मुझे दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा मिट्टी सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसमें थोड़ा हमको देख समझ के पानी देना पड़ता है। आप अगर मिट्टी में लगाए और पानी को मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो आपका लीव्स ख़राब हो जाएगा, प्लांट भी ख़राब हो जाएगा, प्लांट मर भी जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रख के कीजिएगा। मुझे एक जन कमेंट्स किया है कि मेरा प्लांट बड़ा हो गया है लेकिन उसमें फ्लावर नहीं आया, इसलिए मैंने ये दोनों वीडियो में ये दोनों प्लांट को दिखा रहा हूँ। देखिए दोनों में बर्ड्स आ चुका है, इसमें तो अधिकतर बर्ड्स है, देख सकते हैं आप। ये देखिए इधर बर्ड्स है, इधर बर्ड्स है, इधर पर बर्ड्स है, देख सकते हैं। ये सब हाइब्रिड रोज़ है। इसका नाम है नॉस्टैल्जिया और इसका नाम है ब्रेथलेस। दोनों अलग अलग प्लांट है। तो चलिए इसमें आज क्या फर्टिलाइज़र देंगे इसी के बारे में आज शेयर करते हैं। दोस्तों ये प्लांट थोड़ा मैच्योर्ड हो गया है, इसको देख के आपको लगता है, इसलिए इसका फर्टिलाइज़र टोटली अलग रहेगा। और ये अभी तक मेरा डेवलप नहीं हुआ है इसलिए इसका फर्टिलाइज़र अलग रहेगा। ये बर्ड्स को मैंने लेता नहीं हूँ लेकिन कुछ करना नहीं रहता, कभी कभी हम लोग मजबूरी में बर्ड्स ले लेते हैं फ्लावर का कलर देखने के लिए, फ्लावर का साइज देखने के लिए। तो इसलिए मैंने ये बर्ड्स को भी लिया हूँ, इस बर्ड्स को भी मैंने लिया हूँ। तो देखिए दोनों का फर्टिलाइज़र हम शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसका क्या है, इसका रूट्स मोटा मोटी ठीक ठाक हो चुका है, इसलिए इसका फर्टिलाइज़र हमेशा चेंज कर करके रहेगा। लेकिन इसका क्या है, इसका अभी तक रूट्स डेवलप नहीं हुआ है तो इसलिए इसका फर्टिलाइज़र टोटल अलग रहेगा। तो इसको हमको अभी क्या है 1261 साथ में ह्यूमिक एसिड, सागरिका, ये सब दे के हमको इसको ठीक ठाक उगाना पड़ेगा। जब तक नहीं इसका हाइट 2 फीट करीब आ जा रहा है तब तक हम फर्टिलाइज़र इसको चेंज नहीं करेंगे। अभी मिनिमम मान लीजिए 1 फीट करीब है और थोड़ा से बड़ा होने के बाद इसका जब पूरा डंगाली भर्ती हो जाएगा, ये सब छोटा छोटा जो ब्रांचेस निकल रहा है, ये सब ब्रांचेस जब बड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसका फर्टिलाइज़र फिर चेंज कर दूंगा। और इसका फर्टिलाइज़र अलग ही रहेगा। इसका क्या है, अभी 1261 चलेगा, साथ में 13045 चलेगा, बैलेंस एनपीके भी चलेगा और 0050 भी चलेगा। ये चारों को 3 दिन छोड़ छोड़ के आप देते रहिए। साथ में क्या देंगे आप, साथ में देंगे एक हफ्ता में एक बार ह्यूमिक एसिड, फिर 3 दिन के बाद जो आप फर्टिलाइज़र देंगे उसका साथ दीजिएगा आप मैग्नीशियम सल्फेट, फिर 3 दिन के बाद जो फर्टिलाइज़र देंगे उसका साथ दीजिएगा आप माइक्रोन्यूट्रिएंट। ऐसा करके आपको घुमा फिरा के देना पड़ेगा। और इसमें क्या चलेगा, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी चलेगा, ह्यूमिक एसिड भी चलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट भी चलेगा, लेकिन फर्टिलाइज़र एक ही चलेगा जो है 1261। ये थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा। देखिए दोनों के लिए मैं दोनों अलग अलग पॉट में पानी ले चुका हूँ। अब हम क्या लेंगे, देखिए ये है आपका 1261, तो इसको मैंने इसमें इसका लिए ले लेंगे। तो इसका लिए हम कितना लेंगे, देखिए इतना तक हम लेंगे, छोटा प्लांट है ज़्यादा नहीं लेंगे हम, देख लीजिए इतना ही तक हम लेंगे। लेने के बाद क्या करेंगे, इसको हम इस पानी में डाल देंगे। और इसका लिए हम क्या लेंगे, इसका लिए हम लेंगे 13045, इसको भी ज़्यादा नहीं लेंगे, इसको भी हम देखिए इतना ही तक लेंगे। लेने के बाद इसको हम ये पानी में डाल देते हैं। ये दोनों फर्टिलाइज़र का काम हो चुका है। 13 फर्टिलाइज़र को आप पोटाशियम नाइट्रेट का नाम से भी जानते होंगे मार्केट में, तो आप पोटाशियम नाइट्रेट बोलेंगे, अगर नहीं समझ सके तो आप 13045 बोल के उसको ख़रीदने का कोशिश कीजिएगा, मगर आपको चाहिए, मस्ट चाहिए आपको। तो दोनों का साथ देखिए, मैं आज दोनों का साथ मैं ह्यूमिक एसिड को दूंगा। ह्यूमिक एसिड को ज़्यादा देना नहीं है, थोड़ा सा देने से ही काम चल जाता है। ये ह्यूमिक एसिड है, इसको हम दोनों पॉट में अलग अलग दे देंगे। दोनों का अलग अलग फर्टिलाइज़र है तो अलग अलग ह्यूमिक एसिड भी रहेगा, तो हम दोनों में दे देते हैं। देने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको अच्छा से पानी में घोल देंगे।
और थोड़ा देर इसको हम गोलने का टाइम भी देंगे, क्योंकि ये फर्टिलाइजर जो हम एनपीके दिया हूँ उसको गोलने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन वो तुरंत घुलनशील भी है। आपको ये नहीं कि बहुत देरी टाइम लगेगा, थोड़ा देरी रखने से इसका घुल जाता है पानी में। तो दोनों को हम लोग घुल लिया है। फर्टिलाइज़र को मैं एनी टाइम आप लोगों को बोलता हूँ कि सुबह का टाइम दीजिए भोर भोर को, या आप शाम का टाइम दीजिएगा, दोपहर का टाइम मत दीजिएगा। दोपहर का टाइम देने से क्या होता है, इसका जो छोटा छोटा लीव्स निकलता है या पुराना लीव्स भी जो रहता है वो जल जाता है, अब सूख जाता है, आपको पता नहीं चलता कि कैसा। आप सोचेंगे कि आपका प्लांट में कोई कीड़ा आ गया, लेकिन नहीं, हो आपका ओवरडोज फर्टिलाइज़र का कारण से भी होता। देखिए दोनों प्लांट के लिए आपको एक ग्राम दो ग्राम करीब लेना पड़ेगा, अलग अलग लिया मैंने। तो आप अगर एक ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो आपका दिक्कत आ सकता है। अगर प्लांट का हाइट मान लीजिए 4 फुट 5 फुट हो गया है तब आप ज़्यादा लीजिए, लेकिन आपका छोटा प्लांट रहेगा तो उसमें आप ज़्यादा मत दीजिएगा। और एक बात बता रहा हूँ, 13045 में क्या होता है, 13% नाइट्रोजन रहता है, 45% पोटासियम रहता है। पोटासियम का काम क्या रहता है आप लोगों को तो मालूम होगा, फ्लावर लाने का काम रहता है, फ्लावर का जो कलर रहता है उसको भी ठीक ठाक लाने में काम करता है। तो इसलिए हम लोग को पोटासियम 13045 को यूज करना ही पड़ता है। और 1261 का काम क्या रहता है, 1261 का काम रहेगा रूट्स को ठीक करना, नया नया डंगाली लाना, नया नया ब्रांचेस लाना, नया नया आपका जो ब्लाइंड सूट आता है वो उसको भी बंद करना, ये सब आपका 1261 का भी काम रहता है। आप अगर मान लीजिए 1261 यूज ही करते नहीं है तो आपका प्लांट में देखेंगे आप ब्लाइंड सूट भर्ती हो जाएगा। और ये भी बात है 13045 भी आप अगर मान लीजिए यूज़ नहीं करते, अगर कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते तो वो भी आपका ब्लाइंड सूट भर्ती हो जाता है, क्योंकि रोज़ हैवी फीडर है, रोज़ को हमेशा खाना देना पड़ता है। तो रोज़ को अगर खाना नहीं देंगे तो रोज़ का क्या है, देख लीजिए ये जो नया सूट निकला है आप देख रहे होंगे, ये कुछ दिन के बाद देखेंगे आप इसका 1 फीट 1.5 फीट करीब हाइट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको मैंने खाना देता हूँ। अगर आप खाना बंद कर देंगे तो इसका हाइट इतने ही तक रह जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए आपका ब्लाइंड सूट आ जाएगा। ब्लाइंड सूट आ जाना मतलब ये डगाली इधर ही पड़े रुक जाएगा, इसका ग्रोथ आज नहीं आएगा। तो आप लोग अगर मान लीजिए छोटा प्लांट है, आप अगर एक आध तो फ्लावर लिया तो अच्छा बात है, अगर नहीं लेना चाहता है काट देंगे तो वो और भी बेटर बात है। आप अगर फ्लावर नहीं लेंगे तो काट देने से क्या होगा, नेक्स्ट साल के लिए एक फ्लावर क्या होगा, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फ्लावर आएगा आपका। अभी देखिए इसमें मैं जी एक तो फ्लावर ले लिया हूँ, इसका कलर भी मुझे पता चल गया। अभी क्या करेंगे, जितना भी फ्लावर का बर्ड्स आएगा मैं सबको काट दूंगा, एक भी रखेंगे नहीं। मिनिमम 2 महीना तक मैं इसको करूंगा, जब तक नहीं इसका ग्रोथ आ जा रहा, ग्रोथ आने के बाद मैं फिर से इसको फ्लावर लेना चालू कर दूंगा। वो भी बहुत नहीं लूंगा, एक आध तो लूंगा। थोड़ा ध्यान रख के सुन लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। आप अगर प्लांट के साथ जुड़ा रहेंगे तो आपको भी पता चलेगा आपका प्लांट में क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग जितना भी फर्टिलाइजर देंगे, जितना भी माइक्रोटन देंगे, तो भी प्लांट का हालत ख़राब हो जाता है। क्यों खराब होता मालूम, आपका बीमारी का वजह से। देखिए इस अभी क्या है, रोज प्लांट में आपको थीप्स और माइट्स भरपूर देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, माइट्स का दवाई तो देते हैं, थीप्स का भी देते हैं, लेकिन तो भी काम नहीं करता है। और जो सब काम करता है वो सब हम लोग का फर्टिलाइजर शॉप में मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हाथ का सामने मिलता है उसी को हम लोग देते रहते हैं। इसमें हम लोग का काम क्या है, 100% रिजल्ट नहीं आने से भी 90% हम लोग का रिजल्ट रहता है। अगर आप मान लीजिए एकदम इंसेक्टिसाइड नहीं दिया तो प्लांट खुद का में दिक्कत आ जाएगा, इसलिए आपके पास जो भी इंसेक्टिसाइड है आप घुमा फिरा के दीजिए। देखिए दोस्तों मैंने इसको कल परचेस करके लाया था, मेरे पास कॉन्फिडर ख़त्म हो गया था लगभग 1 महीना पहले, तो मैं पाउच जो मिलता है इमिडा क्लोरोपिट का उससे हम काम चलाता था, उसको भी मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, 20 रुपया उसका दाम लेता है इमिडा क्लोरोपिट का। और ये है आपका कॉन्फिडर, इस 50 ml का दाम लिया है 190 रुपया, 100 ml का भी मिलता है। तो ये हम ऑनलाइन से नहीं लिया, ये ऑफलाइन दुकान से जाके लिया हूँ। ये हम प्राइस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी मालूम नहीं होगा कि कॉन्फिडर का दाम कितना रहता है। ये इसका दाम है 190 रुपया, ये इमिडा क्लोरोपिट। आपका मान लीजिए कॉन्फिडर नहीं मिला, लेकिन आप इमिडा क्लोरोपिट ग्रुप का कोई भी आप इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। ये इसमें क्या है, 70.8% SL, ये तुरंत क्या है पानी में घुल जाता है। और प्लांट में आप जब स्प्रे करेंगे तो कोशिश कीजिएगा ऐसा पॉट को उल्टा के स्प्रे करने का, तो क्या होता है लीव्स का जो नीचे में कीड़ा रहता है या माइट्स रहता है वो भी मर जाता है। इसमें 100% माइट्स मरता नहीं है, इसमें क्या है माइट्स का 5-6 कलर का माइट्स आ चुका है, तो उसमें क्या है 1-2 कलर का जो माइट्स रहता है जो उसको ये मारने में सक्षम रहता है, लेकिन जो रेड माइट्स होता है या अलग अलग भी रहता है उसको ये मारने नहीं सकता। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काका यूज़ करना पड़ेगा, या साथ में आप मान लीजिए ओबेरॉन यूज़ कर सकते हैं, इंटरफीड यूज़ कर सकते हैं, आपका पास जो रहेगा आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बहुत देरी हो गया है, इसका फर्टिलाइज़र भी घुल गया है, अभी हम लोग ये दोनों प्लांट को दे देते हैं। देखिए पानी में घुल जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा है,
तुरंत देखेंगे आप पानी पॉट का नीचे से निकल गया, लेकिन इसका क्या है, इसका ड्रेनेज थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये मिट्टी में है, इसका पानी टालने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन निकल जाता है। ये भी नहीं है क्योंकि मिट्टी भी मैंने जब बनाया था तो उसका भी मैंने वीडियो छोड़ा था, तो आप लोग अगर चाहेंगे तो पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें है। देखिए देखिए दोनों प्लांट में फर्टिलाइजर का काम हो चुका है, अभी 3 दिन तक इसमें और कोई फर्टिलाइजर हम देंगे नहीं, 3 दिन का बाद फिर से फर्टिलाइजर दूंगा तो उसका भी वीडियो मैं कर दूंगा। और आप लोग मेरा चैनल अगर रेगुलर देखते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि 3 दिन के बाद मैं क्या फर्टिलाइजर दूंगा, तो इसलिए जिस लोग नया है दोस्तों मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो लाता हूँ, रोज़ का बारे में भी लाता हूँ, अलग अलग का भी बारे में लाता हूँ, तो आप लोगों को भी नया नया जानकारी मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।